शराब एमआरपी वृद्धि कर का अमलनाथ सरकार अतिवृषा और बाढ़ पीड़ितों सहित शराब कारोबारियों को देगी राहत। भोपाल मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार बने भले ही एक साल होने वाला हो, लेकिन भाजपा शासित शिवराज सिंह चौहान की सरकार द्वारा प्रदेश का खाली खजाना छोड़कर जाने के बाद कमलनाथ सरकार आर्थिक मुश्किलों से जूझ रही है। यही कारण है कि प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में कमी करने का वादा पूरा करने के बाद उस पर 5% वैट लगा दिया गया। यही नहीं, राजस्व आने के लिए शराब पर भी इतना ही वैट रोपित किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य की कमलनाथ सरकार प्रदेश में हुई अतिवृषा और बाढ़ प्रभावितों को राहत राशि देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ निगाहें गड़ाए हुए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा 20 सितंबर 2019 को पेट्रोल डीजल और शराब पर 5% वैट वैल्यू एडेड टैक्स बढ़ाया था। वही आबकारी नीति में परिवर्तन कर राज्य सरकार ने लाइसेंस फीस में 20% की वृद्धि कर दी थी। पार सहित अन्य लाइसेंस फीस भी बढ़ाई जा चुकी है, जिसके चलते शराब कारोबारी परेशान हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार के वाणिज्य कर विभाग ने भारत और विदेशों में बनी शराब की एमआरपी अधिकतम की कीमत में 5% की वृद्धि करने का फैसला किया है। यह बढ़ोतरी 22 सितंबर 2019 से प्रभावी होगी।